राजधानी दिल्ली से सटे यूपी के जनपद गाजियाबाद में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक शख्स की लाश टैक्सी में पड़ी मिली। स्थानीय लोगों ने कार में लाश देख उसकी तुरंत सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और लाश को कार से बाहर निकलवाया गया। हालांकि पुलिस ने जब मृतक की शिनाख्त करने की कोशिश की तो कोई सफलता नहीं मिली, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और आगे की कार्रवाई शुरू की गई। दरअसल मामला साहिबाबाद थाना इलाके के मोहन नगर चौराहे के पास का है, जहां एक संदिग्ध अवस्था में लोगों को टैक्सी खड़ी नजर आई, जिसके पास लोगों ने जाकर देखा तो देखकर दंग रह गए। टैक्सी में एक 40 वर्षीय शख्स की लाश पड़ी हुई थी, जिसके नाक और मुंह से खून निकल रहा था। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर टैक्सी से शव को निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मामले में आगे की तफ्तीश शुरू कर दी गई। टैक्सी दिखी है जिसमें एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास है, उसके नाक और मुंह से खून निकलना प्रतीत हो रहा था। जब तत्काल उसे चिकित्सा के लिए बाहर निकाला गया तो वह व्यक्ति मृत पाया गया। मृत्यु के सही कारणों को जानने के लिए उसे तत्काल मोर्चरी भिजवाया जा रहा है और अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है।